हेलो फ्रेंड्स, अरोड़ा इसमें आप सभी का स्वागत है। हम जो है करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज सिर्फ यूपी पीसीएस प्री के लिए ही है, जो 21 जून 2019 को एग्जाम होना है। देखिए, करंट अफेयर्स के हम लोग जून से लेके मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करेंगे। हम लोग इस तरह सेक्शन वाइज ही करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आईआर करेंगे, साइंस करेंगे, एनवायरमेंट करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, नेशनल न्यूज करेंगे, अवार्ड्स करेंगे। सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो सारे के सारे हम करंट अफेयर्स जो है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, हम किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते थे। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एससीयू है या फिर ब्रिक्स है, कहाँ पर हुई थी या इसकी थीम क्या थी। लेकिन अब इस तरह से नहीं, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है करंट अफेयर्स के जो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। एक और अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है एक यूपी पीसीएस का एक बैच चल रहा है, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है। हम जो है एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 50 डेज के लिए है, वो प्री के लिए है 50 डेज। तो आप प्लीज़ आप जो है इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, 9267929744 पे जो है आप कोई भी क्वेरी है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो अभी भी एग्ज़ाम को यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 21 जून 2020 को है। तो आप अभी भी जो है अपनी स्टडी जो है आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखा जाए 2 महीने हैं, आप आराम से जो है प्री आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। ये मेरा डेमो लेक्चर है, प्लीज़ आप लोग देखिए। सबसे पहले एक चीज़, आप मतलब कोई भी टॉपिक आप जो कवर करते हैं, आप हमेशा इस तरह से अपना जो है आप जो है अपने जो है आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अलग अलग इस तरह से अपने जो नोट्स बनाएंगे, जैसे स्थापना, ये यहाँ इसके मेंबर्स हैं, करंट मेंबर्स कौन से हैं, क्वार्टर यहाँ है, यहाँ सबमिट्स ये है, तो पहले सबमिट कब हुई थी, तो आपका क्या होगा, आपको जो है अपनी कोई भी टॉपिक है उसको आप रिवीजन काफ़ी आराम से कर सकते हैं और काफ़ी बार आप जो है रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। कोई भी नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स को शॉर्ट वे में बनाइए, शॉर्ट तरीके से बनाइए, क्योंकि आपको अपने नोट्स को काफ़ी बार रिवीजन करना होता है। अगर आप जितनी बार रिवीजन करेंगे आप क्वेश्चन जो है अपना उतना ज़्यादा आप सही करने के चांसेस जो है आपके ज़्यादा होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की। देखिए, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करने, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे, लेकिन सारे पॉइंट कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी जून में, 15 जून 2001 को। कहाँ पर हुई थी, चीन के संघाई शहर में, ठीक है। इससे पहले अगर हम संघाई 5 की बात करें, संघाई 5 में क्या था, संघाई 5 1996 में हुई थी। उसमें कौन कौन से मेंबर्स ने, वहाँ पर उज्बेकिस्तान नहीं था, सिर्फ 5 मेंबर्स थे। उन्होंने संघाई जो है 5 की स्थापना की थी, वो कब की थी, 1996 में। देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी चीज़ें बता देती हूँ। तो इससे पहले क्या था, संघाई 5 की जो है संघाई 5 की स्थापना करी थी, कब की थी, 1996 में। किस किस ने करी थी, ये 5 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, संघाई 5 जो था उसके बाद क्या किया, संघाई 5 का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब, और उसमें साथ में उज्बेकिस्तान भी और ऐड हो गया। तो अब नाम चेंज किया, इसकी स्थापना कब हो गई, ये कब हुआ था, नाम चेंज किया, संघाई 5 का नाम जो चेंज किया था, कब किया था, 15 जून 2001 में, कब, चीन के संघाई शहर में। इसलिए इसकी स्थापना की बात करें 15 जून 2001 में, चीन के संघाई शहर में। अब क्या है, इसमें कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। संघाई 5 में 5 मेंबर थे, उज्बेकिस्तान नहीं था, लेकिन जब संघाई सहयोग संगठन इसका नाम रखा गया, उसका नाम यानी कि संघाई 5 का नाम जब संघाई सहयोग संगठन रखा गया 2001 में चीन के संघाई शहर में, तब इसमें 6 मेंबर हो गए, यानी कि उज्बेकिस्तान ने इस समय यहाँ पर स्थापना के टाइम पे उज्बेकिस्तान भी आ गए, ठीक है। तो कौन कौन हो गए, कौन कौन से मेंबर है, रशिया हो गया, यानी कि रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, 6 मेंबर थे। देखिए, आप मेंबर्स हमेशा ध्यान दीजिए, आप मेंबर्स मैप के थ्रू याद कीजिए, इनकी पोजीशन आप देखिए कहाँ कहाँ पर है। आप कोई भी अगर मेंबर्स आप मैप से याद करते हैं तो आप और चीज़ें भी देखते हो और मैपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें रटने वाली चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए आप जो है
मेंबर्स को आप प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अब उस समय जब 2001 में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। अब क्या है, फिलहाल बात करें वर्तमान की, यानी कि करंट में, करंट में इसके 8 मेंबर हैं, भारत और पाकिस्तान और ऐड हो गया। ठीक है, ये 6 थे, भारत और पाकिस्तान और ऐड हो गया है। अब ये यहां से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, भारत और पाकिस्तान कब, भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता मिली थी जून 2017 में, कहां पर, अस्थाना सम्मेलन में। अब बात करते हैं अस्थाना, अस्थाना कहां पर है, अस्थाना जो है वो है कजाकिस्तान में, कहां पर है, कजाकिस्तान में, अस्थाना कजाकिस्तान में है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, ये चीज भी ध्यान देनी है। देखिए यहां से ये मैंने इसलिए लिखा है पूर्ण सदस्यता, काफी बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो है पूर्ण सदस्यता जो है कब मिली थी, अस्थाना सम्मेलन में मिली थी जून 2017 में। तो कितने मेंबर्स हो गए हैं, 8 मेंबर्स, 6 तो पहले थे, रशिया था, चीन था, कजाकिस्तान था, तजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, भारत और पाकिस्तान और इसका मेंबर बन गया है। ठीक है, कब बना है, अस्थाना सम्मेलन में 2017 में, जून 2017 में। देखिए हमारा इतना कवर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके कंट्रीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या होता है काफी बार कंट्रीज पूछ ली जाती है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले भारत को जरूर देखिए, G20 है आप देखिए भारत है या नहीं है, G7 है भारत है या नहीं है, ब्रिक्स है भारत है या नहीं है, ये सबसे पहले आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी है। ठीक है, आपको भारत, चीन या पाकिस्तान तो देखना ही चाहिए, वैसे भारत तो आप जरूर ही देखिए, क्योंकि इस तरह से भी आप क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो भारत जो है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो ठीक है, आपके 8 ये मेंबर्स हो गए हमारे, ये स्थापना पता लग गया हमें, हमने स्थापना पढ़ ली, उस समय स्थापना के समय उस समय मेंबर कौन कौन थे और अभी करंट मेंबर्स कौन कौन है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आते हैं इसकी समिट पर। अभी जो जून में हुई है 13-14 जून को, वो हुई है 19वीं समिट हुई है, 19वीं सम्मेलन है, कहाँ पर हुआ है, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहले क्या होता था, पहले आपसे पूछ लिया जाता था कि संघाई जो SCO जो है उसकी समिट जो है 13-14 जून में कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो पहले इस तरह से पूछा जाता था, सिंपल बच्चे सिर्फ ये याद रखते थे। अब ऐसा नहीं करना है, अब आपने स्थापना भी देखनी है, उसके मेंबर्स भी देखने हैं, करंट मेंबर्स भी देखने हैं। ठीक है, तो और अब फिर आपने समिट भी देखनी है, समिट कहाँ हुई, किर्गिस्तान के बिश्केक में। अब एक और पॉइंट बनता है, भारत में, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी आपको याद रखना। आप एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जब भी आप कोई भी समिट के देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की समिट देखेंगे 2019 में, तो आपको उससे पहले 2018 और 2020 पहले और बाद वाली समिट जरूर देखनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे इस तरह, तो आपको क्या होगा, इस तरह से आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा आप इस तरह से बनाएंगे, तो आपको जो है आपके क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं, कुछ भी पूछ लिया जाए उससे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। 2018 में चीन में हुई थी, 2020 में रशिया में होनी है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में होनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है संघाई सहयोग संगठन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, हमने बहुत सारे के सारे इसके पॉइंट्स देख लिए हैं, हमने स्थापना देख ली 2001 में चीन के संघाई में, कौन कौन से मेंबर है, रशिया है, चीन है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अभी करंट में मेंबर 2 और ऐड हुए हैं, कब हुए हैं, अस्थाना सम्मेलन में जून 2017 में। ठीक है, पूर्ण सदस्यता उनको मिली है, कौन कौन है वो, भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, हेडक्वार्टर हमने देख लिया है बीजिंग में है, हेडक्वार्टर चीन में। ठीक है, हमने उसकी समिट भी देख लिया किर्गिस्तान बिश्केक में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जो है प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अब हमने 2020 का भी देख लिया रशिया। अब एक और समिट है SCO की, एक और समिट होती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो समिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2020 में भारत में होनी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2019 का भी देखना है, 2020 का देखा आपने, 19 भी देखा है आपने, 19 भी देखना है, 19 का कब हुआ, ताशकंद में हुई थी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है ये SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो है समिट है। तो अगर संघाई कॉर्पोरेशन समिट की बात करें तो ये समिट है 2019 में 13-14 जून में किर्गिस्तान के बिश्केक में, और रशिया में होगी 2020 की रशिया में होगी,
ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में अगर उसकी एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की बात करें तो वो 2020 में भारत में होगी। देखिए मैंने इसके संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको कोई भी आपने अगर इस तरह से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से आप कोई भी पॉइंट इसका नहीं छूटा है, इससे कोई भी क्वेश्चन आता तो आप आराम से जो है वो कर पाएंगे। चलिए अब इसके जो है हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग जो है दो एक या दो हम लोग इसके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं कि एमसीक्यूज में किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। चलिए हम लोग ये एमसीक्यूज देख लेते हैं, दो एमसीक्यूज। ये वाला एक एमसीक्यूज है, ये तो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो है पहले आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा जा रखा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्यता के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान को मैंने अभी टॉपिक जो समझाया उसमें पूरा एनालाइज अच्छे से मैंने इस पूरा का पूरा डेप्थ जो है उसको एनालाइज किया, तो इसमें मैंने ये भी बताया था भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता 2017 में जून 2017 में जो है मिली थी। और कहाँ पर मिली थी? अस्थाना में। और अस्थाना कहाँ है? अस्थाना मैंने ये भी बताया था कजाकिस्तान में है। तो अगर आपको ये पता होगा, ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो आप इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप जो है आराम से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन मैंने फिर भी ले लिया है, ये पहले आ रखा है 2017 के एग्जाम में आ रखा है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप थोड़ा पैटर्न अगर थोड़ा सा जैसे यूपीएससी थोड़ा पैटर्न रखती है उसी तरह से जो है यूपी पीसीएस थोड़ा सा अपना जो है पैटर्न को रखने लगा है। तो यूपी पीसीएस अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के थ्रू, ऐसे नहीं पूछे जाते कि इसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई है। काफी बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आपको सारे किसी भी टॉपिक की डेप्थ नॉलेज इसलिए जरूरी है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हमारे पास तीन पॉइंट है, हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात सही है। ये मैंने अभी बताया भी था आपको जब हम एससीओ के बारे हम एससीओ की डिटेल्स अच्छे से पढ़ रहे थे तो ये बात सही थी, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। अगर आपको पढ़ रखा है अच्छे से तभी आप इसको जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें एससीओ शिखर सम्मेलन बिश्केक में 13-14 जून 2019 में आयोजित की गई थी, ये भी सही है, यानी कि आपको ये भी पता था तो ये भी सही है। बिश्केक कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है, ये मैंने बता दिया है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? जून से 13 और 14 जून 2019 में बिश्केक यानी कि किर्गिस्तान में हुआ है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। देखिए भारत में तो नहीं किया जाएगा, अगर आपको पता होगा कि कहाँ पर किया जाना है वो किया जाना है रशिया रूस में किया जाना है, भारत में नहीं किया जाना। भारत में कौन सा होगा? उसकी जो है गवर्नमेंट वाली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली मीटिंग है वो होनी है, तो यहाँ पर रशिया होगा। यानी कि ये जो है आपका तीन ऑप्शन गलत है, तो इसमें क्या है, तीन नंबर गलत है, ये गलत है, सिर्फ 1 और 2 सही है, यानी कि इसका जो है फर्स्ट सेकंड आंसर इसका ठीक है। देखिए आपको अगर चीजें पता होंगी, आपने डेप्थ एनालाइज कर रखा है तो आप आराम से जो है उसको सारे के सारे जो इसके क्वेश्चन है आपके पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप आराम से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से इस फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए मैंने संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में काफी अच्छे से आपको समझा दिया है, ये डेमो लेक्चर था। तो अब इसी तरह हम लोग आईआर के सारे जो टॉपिक हैं जून से लेकर मार्च तक के सारे टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे से उनको डीपली अच्छे से समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम वो सारे कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम पॉइंट्स कवर करेंगे। फिर हम लोग साइंस करेंगे, एनवायरमेंट करेंगे, इस तरह हम लोग जो है सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।